आजकल धंधे में बहुत लॉस हो रहा है। जगीरा, बच्चा इसे पॉकेट में नहीं रखेगा तो प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, चलो भैया कमाल। जकीरा, तुम इस बच्चा पे नजर रखो, मुझे लगता है माल रास्ते में गायब कर देता है। अच्छा एक काम करो, तुम उस सप्लायर को फोन लगाओ। भैया जी, हेलो। हाँ भैया जी, माल अभी पहुंचा कि नहीं? बिल्कुल पहुंच गया भैया जी। देखो आज वाले माल में 50 पैकेट माल है कि नहीं। ठीक है भैया जी। भैया जी, इसमें सिर्फ 35 पैकेट है। क्या बात कर रहे हैं, ये कोई मजाक का टाइम थोड़ी है। पागलों जैसी बात मत करो, अच्छे से माल की गिनती करो, समझे? भैया जी मैं सही कह रहा हूँ, अगर विश्वास ना हो तो बच्चा से पूछ लो। ओए कान खोल कर सुन ले, अगले 24 घंटे में मेरा माल मेरे पास चाहिए, वरना एक एक आदमी को जमीन में गाड़ दूंगा माधर जात। ठीक है भैया जी, मैं कुछ करता हूँ। जकीरा, उस माल का मिलना बहुत जरूरी है। माल तो यहाँ से निकला, माल पहुंचा भी, पर माल गायब कहाँ हो गया? जकीरा, तुम उस बच्चा को फोन लगाओ। भैया जी फोन नहीं उठा रहा है। उस साले बच्चा दलाल पे मुझे शुरू से ही शक था। ए जकीरा, आधे घंटे के अंदर अंदर वो साला दलाल मेरे सामने होना चाहिए। तुम्हें जो चाहे करना हो करो, लेकिन बच्चा मेरे सामने होना चाहिए। जी भैया जी। हेलो। अबे हेलो को छोड़, तुझे भैरवनाथ के आदमी कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं, वहां से जल्दी निकल। क्या? वाला साला पकड़ो उसको। भैया वो नहीं मिला।
क्या हुआ, गन खोज रहे हो क्या? कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ क्यों बांध के रखे हो? यही तो हम पूछ रहे हैं, तुम कौन हो और भैरवनाथ के माल के साथ दलाली क्यों कर रहे हो? अरे भोसड़ी के, अरे अरे डरो मत, हम उतना जानते हैं जितना देखा है और बाकी का तो तुम बताओगे। तुमको क्या लगता है तुम पूछोगे और हम बता देंगे? अगर नहीं बताओगे ना इतना गोली मारेंगे कि आजमगढ़ का नाम सुनोगे ना तो दो ही लोग का नाम याद आएगा, योगेश पंडित और आशीष। क्या दुश्मनी थी उस भैरवनाथ से कि जिस थाली में खा रहे थे उसी थाली में छेद करने लगे? वो क्या है ना, हमेशा गुलामी करना ठीक, आज मान निपटा रहे, मौका मिलते ही कल उसको निपटा देंगे। अबे आशीष, ये तो अपने बड़े काम का आदमी निकला। देखो तुम भी चाहते हो उस भैरवनाथ को मार कर पूरे आजमगढ़ में नाम कमाना, और हम भी चाहते, तो क्यों ना साथ मिलकर मारा जाए, दोनों लोग का दबदबा पूरे आजमगढ़ में बन जाए। पर हम तुम पे भरोसा कैसे कर ले? मत करो भरोसा, लेकिन उसके धंधे के बारे में कुछ ऐसी बात बता दो जिससे उसकी सारी बोलती बंद हो जाए। सच बताऊं तो मेरा काम है सिर्फ माल सप्लाई करना, बाकी का सारा काम जगीरा के हाथ में। मेरी मानो दो चार पैकेट माल दे रहा हूँ, जाओ खाओ पियो एस। तुम्हारा माल पर तुम्हारे पास कहाँ से आया? जैसे तुम दलाली करते हो ना वैसे एक छोटा सा खेल हमें भी खेलना पड़ा इसे यहाँ लाने के लिए। चलो ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता ना, लेकिन तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, इसलिए तुम्हारा बचना भी ठीक। अरे यार तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, करेंगे तुम्हारे साथ काम। अब जिसने तुम्हें अपने साथ रख कर अपना नाम दिया तो उसके नहीं हो सके तो मेरा क्या खाक होगे? अरे भाई चल चल कम कर दीजिए। अबे चूतिए, किसी को गोली मारना इतना आसान थोड़ी ना है। साला पागल, भैरवनाथ भैया किंग ऑफ आजमगढ़ भोसड़ी के ई बनने चले थे प्रिंस, और हम दुर्गेश पंडित बनेंगे किंग ऑफ आजमगढ़। चल भोसड़ी के, चल बे आशीष। अरे ये साला बच्चा अचानक गायब कहाँ से हो गया? अगर वह नहीं मिला तो माल भी हाथ में नहीं मिलेगा, और माल का मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।